मैं योगाचार्य खोकन बाबा आज एक ऐसा बीमार के बारे में बात करेंगे। ये बीमार केवल हमारा हिंदुस्तान में नहीं सारा दुनिया में दिखाई दे रहा है, वो है डिप्रेशन। वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन किसके अंदर में ज़्यादा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है हमारा सैनिक भाई बाबा लोग को, जैसे आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, क्योंकि इस लोग फैमिली के साथ में रह नहीं पाती है, फैमिली के बहुत दूर रहते हैं, अपने पिता माता, अपना बीवी बाल बच्चा सबको छोड़ कर देश के काम में लगा हुआ है। ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। डिप्रेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट लोग का अंदर में, स्टूडेंट लोग का बच्चा के अंदर में ये दिखाई दे रहा है। जैसा रिजल्ट हमको करने का है वैसा रिजल्ट, वैसा फल हमारा मिला नहीं। पेरेंट्स ने डरने लगता है, टीचर ने डरने लगता है, क्या रिजल्ट कर दिया, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और दिखाई दे रहा है बिजनेसमैन के अंदर में, जैसा हम इनकम करने का है, कोई रुपया फंस गया, कोई रुपया बर्बाद हो गया, और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन दिखाई दे रहा है जो जॉब करने वाला, जॉब करने वाला का ब्रेन में इतना ही प्रेशर पड़ते है, शाम का बाद वो अपना सिर नहीं रख पाते हैं, सिर जैसा नहीं है, अपना शरीर पे सिर नहीं है ऐसा लगता है, वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये डिप्रेशन का हम मुकाबला नहीं कर पाते क्या? जरूर पाते हैं। आइए हम सब मिलके योगा द्वारा ये डिप्रेशन को खत्म करें। तो ये डिप्रेशन का पहला जो क्रिया वो आप लोग हम बता रहा है, आप सही तरीके से देखिए। पहले जो क्रिया करेंगे उस क्रिया का नाम है उद्घात क्रिया। हम पहले दाहिना नाक बंद कर दिया और बायां नाक से हम धक्का मार मार के सांस निकालेंगे। हम लेने का लेने के लिए उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़ने के लिए हमारा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यार हम जो प्रेशर देके जो यार निकाल रहा है वो यार हमारा मस्तिष्क के ऊपर पड़ते हैं, और मस्तिष्क के अंदर में जो हमारा वेन है, नर्व है, हमारा सेंस का जो केंद्र है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके अंदर में ऑक्सीजन मिलता है। तो आइए पहले बायां नाक से कैसे हम प्रेशर देके सांस निकालते हैं देखिए। ऐसा करके 30-40 दफे कीजिए, उसके बाद हाथ बदल के दाहिना नाक से। तीसरा है हम अपना जो मुंह है वो डाउन कर दीजिए, हमारा कॉर्नकूप में लगा दीजिए, हाथ घुटने के ऊपर और बॉडी सीधा, अभी सांस निकाल दीजिए। इसको कहते हैं उद्घात क्रिया। ये जो प्रेशर देके जो हम ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन हमारा सिर के ऊपर एक प्रेशर पड़ के नाक से निकल रहा है, प्रेशर पड़ के नाक से निकल रहा है। तो हमारा जो दिमाग का अंदर में, हमारा सिर के अंदर में जो नर्व है, वेन है, जो सेंस केंद्र है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उसके अंदर में ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें पुष्टि मिलता है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू करता है। तो दूसरा आइटम हम दिखा रहा है उसको कहते हैं स्थितिवर्धक प्राणायाम, स्थितिवर्धक प्राणायाम। लेकिन ये स्थितिवर्धक प्राणायाम थोड़ा क्रिटिकल है, आप सब कर नहीं पाएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा इजी कर दिया सबको करने के लिए। सभी एजेड आदमी लोग कर पाएंगे, बड़े बच्चे, बूढ़ा, माता, बहने सभी कर सकेंगे। पहले मेरा जैसे बैठिए, उसके बाद देखिए मेरा हाथ देखिए पोजीशन, ये है पहला पोजीशन। अपना मुंह जो है ये कॉर्नकूप में लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, सांस लेते 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 पीछे तरफ हम झुक देंगे। अभी सांस लिया नहीं, आपको दिखा रहा है, और इसी सांस लेते वक्त हम लॉक कर देंगे सांस को, और ऐसे झुकाएंगे 3-4 दफे झुका के, फिर आपको सांस छोड़ते छोड़ते आपस आ जाएंगे। तो क्रिया मैं शुरू करूँ, आप लोग देखिए ध्यान से, सांस ले रहा हूं, और एक दफे दिखा रहा है,
ये पोजीशन मैं सांस लेते लेते पीछे तरफ सिर को फेंक दिया, इसी टाइम हमारा सांस लिया हुआ है और लिया हुआ सांस रखते हुए हम सिर को ऐसा झुकाए और सांस छोड़ते छोड़ते हम वापस आ जाए। कितना दफे करेंगे? 5 या 6 दफे। हमारा नाक से जो हम ऑक्सीजन ले रहा है, ये ऑक्सीजन हमारा शरीर के ऊपर, हमारा ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर के कारण हमारा जो नर्व इनएक्टिव हो गया, टेंशन के कारण, बहुत दिन भर टेंशन के कारण ब्रेन टायर्ड हो गया, ब्रेन में कोई काम नहीं हो रहा है। वो सब नर्व वेन और हमारा सेंस का जो केंद्र है उसको एक्टिव करेंगे। किस द्वारा? ऑक्सीजन द्वारा। हम जो सांस ले रहा है वो सांस का प्रेशर से जो झुका रहा है उसे हमारा वो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद हम तीसरा आइटम, 3 नंबर आइटम, हम अभी क्या करेंगे? एकदम रिलैक्स होकर बैठेंगे। बैठने के बाद मैं 3 बार ओम करेंगे। ऐसा करके 3 बार हम ओम बोल दिया, फिर सांस लेंगे, ओम करेंगे। 3 बार हम ओम करने के बाद में हम क्या करेंगे? अपना कान के अंदर में हमारा पूरा बूढ़ा अंगुल जो है ये पूरा खिंचा देंगे, बाहर का उस आवाज़ हमारा ब्रेन में आ नहीं पाए, और बाकी अंगुलियां हमारा सिर के ऊपर रख दिया, कपाल के ऊपर। हम पूरे सांस लेंगे नाक से, ऐसा करके 5 या 6 दफे। पहले 3 बार ओम बोला है, ओम बोलने के बाद में हम ये कान के अंदर में हमारा बुरा अंगुल खिंचा दिया, ऐसा खिंचाएंगे जो बाहर का आवाज अंदर में ना आ पाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे? आवाज करने से क्या होगा? हमारा ब्रेन के अंदर में एक वाइब्रेशन होगा और ये साउंड आप शेर के अंदर में आप समझ जाएगा जी हमारा आवाज अंदर में हो रहा है। और उसके बाद में 5-6 दफे कर लिया, आवाज कर लिया, थोड़ा से बैठिए ऐसा मेडिटेशन, आंखें बंद करके आप कल्पना करते रहिए, आप सोचते रहिए हमारा सामने, हमारा नज़दीक, आप जिसको सबसे मानते हैं ज़्यादा, अल्लाह या भगवान या गॉड, जिसको मानते हैं उसका तस्वीर देखते रहिए। कम से कम 10 मिनट ऐसा आंखें बंद करके केवल आप जिसको कल्पना कर रहा है उसका ही तस्वीर देख रहा है, कम से कम 10 मिनट। हम मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान, बाहर का कोई चिंता आने मत दीजिए, केवल आपका सामने, आप जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं उसका तस्वीर। मौन कभी कभी इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे लेकिन आप जाने मत दीजिए, आप मौन को रुखाइए और कल्पना कीजिए हम जिसको कल्पना कर रहा है, जिसको सोच रहा है उसको तस्वीर हम देख रहा है। कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट मान लीजिए हो गया, उसके बाद में थोड़ा सिर को महसूस कीजिए, ऐसा हल्का से थोड़ा महसूस कर दीजिए। महसूस करने के बाद में हाथ छोड़ दीजिए, सिर को थोड़ा झुकाइए, थोड़ा सिर को घुमाइए,
दहिना से बाया, बाया से दहिना, थोड़ा सी झुका लीजिए, एक बार लंबे सांस लेके छोड़ दीजिए, नाक से लीजिएगा, नाक से छोड़िएगा। आप दोनों हाथ से थोड़ा मुंह फ्रेश कर दीजिए, पूरे बॉडी के ऊपर हाथ लगाइए, देखिए पहला का जैसा आपका नहीं है, आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो गया, बॉडी भी रिलैक्स हो गया, आपका टेंशन दूर हो गया, आपका डिप्रेशन दूर हो गया, 100% होगा ही, डिप्रेशन आपका दूर होगा ही, ब्रेन आपका कितना हल्के हो जाएंगे, कितना रिलैक्स हो आपने आप समझ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला सप्ताह मैंने टॉन्सिल बीमार के ऊपर में बात करेंगे, टॉन्सिल कैसे होते हैं, टॉन्सिल का पेन होने से क्या होता है और ऐसे कैसे इलाज करेंगे, टॉन्सिल के बारे में अगला सप्ताह में मैं वीडियो छोड़ेंगे। आप लोग ख्याल से देखिएगा और क्रिया करिएगा, लेकिन ये सही तरीके से करना पड़ेगा। आप सबको अनुरोध मेरा, सही तरीके से कीजिएगा तो आपका फल आपका ही मिलेगा, और आपका फल मिलने से मेरा आनंद आएगा। धन्यवाद।